जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी मधली वाढ करण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसकडून दिल्लीमध्ये रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय. दिल्लीच्या ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर ही हल्लाबोल रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. या रॅलीमध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी बोलत आहेत. आपण थेट जाऊया. छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी. और आज हालत क्या है और यहां इस स्टेज से बोलना, ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा. क्यों भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये दो उद्योगपति नहीं देते हैं. देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं. देश को रोजगार किसान देते हैं. और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है. तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे वो इस देश को रोजगार नहीं.